ओके डॉक्टर, ये बताएं सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या हो सकती है बिजनेस के लिए, या बिजनेस के पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या होती है? सोर्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस एक बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस कहाँ से आएगी? एक तो कैपिटल से आ गई, लोन हो गए, कैपिटल हो गया और एक लोन हो गया। तो दो आपके सोर्स हो जाती हैं, एक कैपिटल और लोन। शेयर्स की तो हमने बात कर ली, शेयर कैपिटल की, अब बात करते हैं लोन। ठीक है, लोन या लोन नोट्स, ठीक है, क्या होते हैं लोन नोट? क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ लोन इश्यूड बाय अ कंपनी। ठीक है, सब कहते हैं लोन नोट्स, राइट। अच्छा, भाई लोन में और शेयर्स कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है? लोन और शेयर कैपिटल, लोन लोन आपका ये लायबिलिटी है और शेयर कैपिटल आपका इक्विटी का पार्ट है, और शेयर कैपिटल पे डिविडेंड देते हैं आप और लोन पे इंटरेस्ट देना होता है, फिक्स होता है। और अच्छा, डिविडेंड फिक्स नहीं होता, इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है। और ठीक है, पढ़ लेते हैं डिफरेंस क्या होता है, फिर उसके परसेंट करेंगे। क्या लिखा है? शेयर होल्डर्स आर मेंबर्स ऑफ कंपनी व्हाइल प्रोवाइडर्स ऑफ लोन आर क्रेडिटर्स। ठीक है, अच्छा, शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड्स वेयर एज प्रोवाइडर्स ऑफ लोन आर इंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है और लोन प्रोवाइडर को इंटरेस्ट मिल रहा होता है। अच्छा, लोन कैपिटल प्रोवाइडर्स कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट अ कंपनी इफ देयर इंटरेस्ट इज नॉट पेड व्हेन ड्यू, सो वेयर एज शेयर होल्डर्स कैन नॉट इन्फोर्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक, इंटरेस्ट नहीं देंगे तो वो आप पे लीगल एक्शन ले सकते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स को अगर डिविडेंड ना दें तो वो कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो कोई भी नहीं, मस्त होता है। मस्ट होता है, लेकिन शेयर होल्डर है ना, तभी तो, यही तो फर्क है इसमें और इसमें, शेयर होल्डर है। ठीक है, अच्छा, लोन नोट इज ऑफन सिक्योर्ड ऑन कंपनी एसेट्स वेयर एज शेयर्स आर नॉट। ठीक है, देखिए जब आप लोन लेते हैं तो उसके अगेंस्ट बैंक, नॉर्मली बैंक से लोन लिया जाता है, तो बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक उसके अगेंस्ट आपको कोई एसेट मॉर्गेज करता है, गिरवी रखता है। ठीक है, जबकि जब कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसके अगेंस्ट कोई एसेट मॉर्गेज नहीं होता। तो लोन सिक्योर हो जाता है, शेयर्स आपके सिक्योर नहीं होते। ठीक है, कंपनी अगर बंद हो जाए तो आपके पैसे मिल गए तो मिल गए, नहीं मिले तो नहीं मिले। ठीक है, अच्छा, तो ये डिफरेंस हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि हम लोन लेते हैं तो कैंट्रीज बनती है, इंटरेस्ट पे करते हैं तो कैंट्री होती है, और जब हम लोन रिटर्न करते हैं तो कैंट्रीज बनती है। ठीक है, लगने नहीं, इधर आ, नहीं इधर क्वेश्चन कर फॉर 14 रीड कर लें। जब ये लोन कितना ले रहे हैं, 1,50,000 का लोन है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है 10%, ये 10% क्या शो कर रहे हैं? इंटरेस्ट रेट। ठीक है, 1,50,000 का लोन है जिसपे आपको 10% इंटरेस्ट देना है, जिसके बाद लिखा हुआ रिडीमेबल इन 10 ईयर्स टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? रिडीमेबल तो 10 साल में आपने वापस करना है, लेकिन रीपेबल कह सकते हैं, रिडीमेबल मीन्स रीपेबल इन 10 ईयर्स। अच्छा, इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली एट द एंड ऑफ अगस्त एंड फेब। ठीक है, तो इंटरेस्ट हम हाफ ईयरली पे कर रहे हैं। रिक्वायरमेंट व्हाट अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड इन द ईयर एंडेड डिसंबर 31, 2005, शो रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट। अच्छा, एंट्रीज बनाते हैं, पहली एंट्री तो हो जाएगी ये लोन नोट्स इशू की ना। ठीक है, क्या एंट्री होगी इसकी? एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, बैंक के कैश डेबिट हो जाएगा और लोन पेबल या लोन नोट्स क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ये हमने लोन नोट्स इशू कर दिए, अब क्या होगा? अब हमें हाफ ईयरली बेसिस पे इंटरेस्ट पे करना होगा ना। अच्छा, फर्स्ट पेमेंट कब होगी? अगस्त के एंड पे, और सेकंड फेब के एंड। अच्छा,
अभी ये इंटरेस्ट रेट है 10%, तो 1,50,000 का 10% 15,000 हुआ, उसका हाफ कर लेते हैं तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो जाएगा 7,005। और एंट्री होगी इसकी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट हो जाएगा, नॉर्मल एंट्री बन गई। अच्छा सेकंड पेमेंट कब होगी इंटरेस्ट की? फेब में होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर पे, तो 31 दिसंबर पे कोई एंट्री बनाएंगे या नहीं, या फेब में ही बनेगी? लोन पेबल तो रिकॉर्ड हो गया ना, ये रहा कौन सा बैलेंस कैसा कितना है, लोन हमने वापस कहाँ किया है, कितना बचा, कैसे आया ये बैलेंस, सर ये लोन और सब कैसे कितना बचा, कैसे करें, क्यों माइनस करें, तो इंटरेस्ट पे हम 7,500 लोन थोड़ी वापस कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसपे, लोन तो अपनी जगह मौजूद है, ये तो इंटरेस्ट दे रहे हैं उसपे, इंटरेस्ट तो अलग से देना पड़ता है, लोन तो अपनी जगह वही है, 1,50,000 लोन थोड़ी कम हो रहा है, ये तो हमारे एक्सपेंस इंक्रीज हो गए ना, इंटरेस्ट जो पे करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, लोन पेबल पे कोई चेंज थोड़ी आ रहा है, लोन तो वही है 1.5 लाख आपको देना, इंटरेस्ट तो एक्स्ट्रा दिया जाता है ना, ठीक है, लोन तो वही रहेगा। अच्छा अब सेकेंड पेमेंट होगी फेब के एंड पर, लेकिन 31 दिसंबर पे एक एंट्री बनाएंगे। हाँ आपको याद होगा एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट हमने पढ़ा था, एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, तो ईयर एंड पे हम एक्रूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे। देखिए अगस्त के एंड पे हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हम पे ड्यू हो जाएगा, एक्रियूड हो जाएगा, तो 4 मंथ्स का एक्रियूड इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। एक्रुअल कॉन्सेप्ट याद है ना, कि जब ट्रांजेक्शन अगर हो जाए उसको रिकॉर्ड कर लें, पेमेंट का इंतजार ना करें। तो अब सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हम पे ड्यू हो जाएगा, 4 मंथ्स का इंटरेस्ट हम रिकॉर्ड करेंगे, वो कितना बनेगा, पहले 10,000 का, 1,50,000 का 10%, 15,000, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, इसका 10% 10% आ गया 15,000, ठीक है। अब कितने मंथ्स का ड्यू हुआ, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स का, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ये 4 मंथ्स का एक्रीड इंटरेस्ट आ गया 5,000। कितने सा महीनों का है, पूरे साल का है, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 4 मंथ्स का आ गया 5,000, ठीक, ये 4 मंथ्स का एक्रीड इंटरेस्ट हुआ 5,000, अब ये रिकॉर्ड करते हैं, तो 31 दिसंबर पे एंट्री होगी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और एक्रूड इंटरेस्ट या एक्रूवल्स या इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट होता है, एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी आपकी क्रेडिट, ठीक, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो इसके बाद फिर फेब में पे करेंगे, फिर एंट्री होगी, फिर अगस्त में पे करेंगे, फिर वो रिकॉर्ड होगा, फिर दिसंबर में 4 महीने का एक्रूवल्स, फिर रिकॉर्ड, इसी तरह सिलसिला चलता रहे। अच्छा ये बताएं, जब ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, ईयर एंड पर इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने चार्ज होंगे, 12,500 जी। देखिए पहले हमने अगस्त में भी डेबिट किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं 7,500 से, और ये 31 दिसंबर पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 5,000, टोटल इंटरेस्ट हो गए 12,500, ठीक। अच्छा बैलेंस शीट में इंटरेस्ट पेबल कितना रिकॉर्ड होगा, करंट लाइबिलिटी हम रिकॉर्ड करेंगे 5,000 से इंटरेस्ट पेबल, और नॉन करेंट लाइबिलिटी अच्छा लोन, नॉन करेंट लाइबिलिटी में लोन नोट्स आ जाएंगे ना, लोन पेबल 1,50,000, सही। तो इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज होंगे 12,500, बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट पेबल आ जाएगा 5,000, और नॉन करेंट लाइबिलिटी में ये लोन नोट्स, लोन पेबल 1,50,000, ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। लोन नोट्स के बाद अब हम बात करते हैं राइट्स इशू की, ठीक है, राइट्स इशू,
अच्छा ये बताएं, इसको अभी पढ़ते हैं बाद में। एक कंपनी हमने स्टार्ट की, शेयर इशू किए, कंपनी चल गए, चलना शुरू हो गया, हम स्टार्ट हो गई। कुछ टाइम के बाद हमने बैंक से लोन भी ले लिया, लोन नोट इश्यू हो गए, कंपनी चल रही है हमारी। अच्छा अब हमें फर्दर फाइनेंस की जरूरत है, तो अभी दो ऑप्शन हैं, चाहे तो न्यू शेयर इशू करें, चाहे तो मजीद लोन ले लें। ठीक है, अच्छा अब हमने डिसाइड ये किया कि न्यू शेयर इशू करने, ठीक है। अच्छा अब न्यू शेयर जब इशू करेंगे तो उसमें दो ऑप्शन हैं कि आप एक जो भी मार्केट रेट आपका चल रहा है शेयर का, मार्केट रेट पे जनरल पब्लिक को ऑफर कर दें, जनरल एक ऑफर कर दें, जो खरीदना चाहे खरीद सकता है, जो इन्वेस्ट करना चाहे इन्वेस्ट कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि हम मार्केट रेट से कुछ रेट कम करके अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको इशू कर दें। तो बेहतर क्या लगे रहेगा अगर कम, हाँ कम रेट पे दे दें अगर, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको अगर कम रेट पर मार्केट से कुछ कम रेट पे इशू कर दें, वो तो खैर है शेयर तो ज्यादा इशू हो जाएंगे ना, तो इशू होने के जो ज्यादा दे देंगे उनको वो तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, वो इशू नहीं होता। तो इश्यू होने के चांसेस किस में ज्यादा है, एग्जिस्टिंग को अगर मार्केट रेट से कम रेट पे दे दें तो उसमें आपके इश्यू के चांसेस ज्यादा हो, ठीक है। राइट, तो इसी को हम कहते हैं राइट्स इश्यू, कि अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट रेट से कम रेट पर शेयर इश्यू करती है तो उसे कहते हैं राइट्स इश्यू। अच्छा अब इसमें जरूरी नहीं कि आप जितने शेयर इश्यू करना चाह रहे हैं सब इश्यू हो जाए, हो सकता है कुछ शेयर होल्डर्स हों जिनके पास इन्वेस्टमेंट ही ना हो बिल्कुल, तो वो तो फिर शेयर्स बाय नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो जो बचेंगे वो हम फिर ऑर्डिनरी है जनरल पब्लिक को ऑफर कर देंगे, जनरल पब्लिक को ऑफर कर देंगे तो जो रिक्वायर्ड फाइनेंस होगा वो मिल जाएगा, ठीक है। हाँ तो राइट इशू क्या है, क्या लिखा, राइट इशू इज द ऑफर ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, अच्छा इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग एट अ स्टेटेड प्राइस यानी कि नॉर्मली बिलो मार्केट वैल्यू। अच्छा इसमें एक पॉइंट है ये, इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, जितने उनके पास होते हैं। हाँ जितने उनके पास है उसी रेशो में इशू करेंगे, मतलब कि हम रेशो निकाल लेंगे या एक परसेंटेज निकाल लेंगे और उसी रेशो में नए शेयर इशू किए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जो जितने खरीदना चाहे खरीद ले, ऐसा नहीं होगा, एक रेशो निकलेगा एग्जिस्टिंग शेयर्स का और उसी रेशो में नए शेयर्स उनको दिए जाएंगे, ठीक है। ज्यादा शेयर इशू करने से क्या होता है? तो इसके आते हैं, इसके बात करते हैं इस पे हम, ये क्या लिखते हैं, इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। अच्छा ऐसा क्यों है, लेकिन इसका फायदा क्या होता है प्रोपोर्शन में इशू करने का, यानी कि जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो है या एग्जिस्टिंग परसेंटेज है उसी रेशियो में राइट शेयर्स इशू किए जाते हैं। इससे क्या होता है, जो एक शेयर होल्डर्स है उनकी जो शेयर होल्डिंग परसेंटेज है ना वो चेंज नहीं होती, मेंटेन रहती है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका, कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज मेंटेन रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, ठीक। और अगर देखें जनरल पब्लिक ऑफर करेंगे तो नए शेयर होल्डर्स आएंगे, तो इससे क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज कम हो जाएगी, तो एक डिसएडवांटेज है। तो इसका ये एक मेन एडवांटेज है कि राइट इश्यू का, तो इसमें देखिए एक तो फायदा क्या है, एक तो रेट भी कम है और सेकंड जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज मेंटेन रहती है, तो इसलिए इश्यू होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते, ठीक। कैसे, अब ये एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, या सपोज कर लें कि इश्यूड कैपिटल हमारी कितनी है, 1 लाख शेयर्स ऑफ $5, 5 लाख डॉलर की कैपिटल है, शेयर होल्डर्स कितने इस वक्त हमारे, 10,000 शेयर होल्डर्स हैं टोटल, अच्छा और 10,000 शेयर्स ईच, हर शेयर होल्डर के पास सपोज 10,000 शेयर्स हैं, वैसे नॉर्मली ऐसा नहीं होता, सपोज कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा इसको जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो एक शेयर होल्डर के पास 10,000 शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स कितने हमारे 1 लाख, ठीक, कितने परसेंट बन गए, 10%, यानी हर शेयर होल्डर की शेयर होल्डिंग कितनी है, 10%, ठीक है। अच्छा अब हम राइट शेयर्स इशू कर रहे हैं 20,000 ऑफ $5, तो अब एक शेयर होल्डर कितने शेयर्स ले सकता है, मैक्सिमम कितने शेयर्स ले सकेगा, 10%, यानी कि 2,000 शेयर्स ईच,
अब एक शेयर होल्डर मैक्सिमम 2000 शेयर्स खरीद सकता है, इससे ज्यादा नहीं लेगा। अच्छा, अब हमने 2000 शेयर हर एक शेयर होल्डर को दे दिए, तो अब टोटल शेयर कितने हो जाएंगे? 10,000 पुराने थे, 2000 राइट शेयर्स मिल गए, टोटल कितने हो गए उसके पास? 12,000 ईच। अब हर शेयर होल्डर के पास 12,000 शेयर्स आ गए, और कंपनी के टोटल शेयर कितने इशू हुए? 1,20,000 टोटल हो गए ना। अब इसकी परसेंटेज निकालते हैं, अब 12,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, तो वही 10% आ गया। तो राइट्स इशू से पहले भी शेयर होल्डिंग 10% थी, और राइट्स इशू के बाद भी 10% थी। ठीक है, तो ये इसका एक मेन एडवांटेज है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज मेंटेन रहती, फ्लक्चुएट नहीं होती। ठीक, लेकिन अगर जनरल पब्लिक को इशू कर देंगे तो उससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग चेंज हो जाएगी, कम भी हो सकती है ज्यादा भी। अगर उससे एग्जिस्टिंग वाले ज्यादा खरीद लें तो उसकी इंक्रीज भी हो सकती है, और डिक्रीज नहीं देगा तो डिक्रीज भी हो जाएगी। हाँ, जो बाय नहीं करेगा वो तो उसका फिर मोह मर्जी है ना, कंपनी ने तो ऑफर कर दिया है, कंपनी ने तो सबको इक्वल रखा ना। अब आप नहीं लेना चाह रहे तो नाले फिर आपके साथ क्या कर सकते हैं, जबरदस्ती तो आपको नहीं दे सकते ना। हाँ, आपकी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम होगी, जो नहीं लगा उसकी कम होगी ना, बाकी में थोड़ी होगी। ठीक है, तो कंपनी ने तो आपको एक एडवांटेज दिया ना, बेनिफिट दिया है कि आप खरीद लें ताकि आपकी परसेंटेज मेंटेन रहे, लेकिन आप कह रहे नहीं मैंने लेने नहीं है, तो फिर आपकी मर्जी है, यही है ना। ठीक, तो जबरदस्ती तो किसी को इशू नहीं कर सकते, तो आप ख्याल ही कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो ये है ना। मार्केट से भी कम पे देंगे, हाँ मार्केट यहाँ मेंशन ही नहीं है, मार्केट यहाँ मेंशन नहीं है, पार वैल्यू 5 थी, पार वैल्यू पे दे दिया, फिलहाल मार्केट वैल्यू यहाँ मेंशन नहीं है ना। सही है, राइट। तो मार्केट से कम पे होंगे तो दो एडवांटेज हो गए, एक तो कम पैसों पे मिल रहे हैं, हाँ लाजमी है, और शेयर पर होल्डिंग परसेंटेज भी आपकी मेंटेन हो रही है। ठीक है, अच्छा, और अब इसके बाकी एडवांटेज वगैरह देख लेते हैं, क्या होते हैं, क्या लगता है एडवांटेजेस क्या है इसके? रेजेस कैश फॉर द कंपनी। अच्छा, ये बात करेंगे हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कैश आ गया कंपनी के पास, जो भी फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा ना। अच्छा, राइट इशू क्या है? द चीपेस्ट वे फॉर अ कंपनी टू रेज फाइनेंस थ्रू द इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। अच्छा, इसमें आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम आती है। देखिए, जनरल पब्लिक को आप इशू करना है शेयर्स, उसमें क्या होगा, पहले आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट करना होगी, मार्केटिंग होगी, फिर वहां से एप्लीकेशन आएंगी, वो डेटा पूरा एंटर होगा, डेटा एंट्री होगी, फिर वो अगर एप्लीकेशन ज्यादा आ गई बैलेटिंग होगी, फिर उनको शेयर इशू किया जाएंगे, तो इसमें आपकी एक एडमिन और मार्केटिंग कॉस्ट काफी आ जाएगी, ज्यादा आएगी। और एग्जिस्टिंग को देने में क्या होगा, सिर्फ आपने उनका डेटा अपने पास अपडेट करना हो, सिस्टम में डेटा मौजूद होगा उसको अपडेट करेंगे तो आपकी एडमिन कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, कॉस्ट कम आएगी आपकी। उसके बाद क्या, राइट इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैज अ ग्रेट चांस ऑफ सक्सेस कंपेयर्ड विद अ शेयर इश्यू टू द पब्लिक। एक एडवांटेज है, क्योंकि इसके ज्यादा चांसेस क्यों होते हैं, इसके वही रीजन कि एक तो रेट कम है, और सेकेंड इससे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी मेंटेन रहे। नहीं, इसमें देखिए चांसेस ज्यादा ही होते हैं कि रेट कम है ना, एक, और दूसरा इससे आपकी परसेंटेज भी मेंटेन होगी। तीसरा एडवांटेज क्या आपके पास, ठीक है आपने शेयर खरीदे कम रेट पे, बाद में उसको मार्केट रेट पे सेल कर दिया, पब्लिक को आपने जर्नल ऑफ भेज जैसे दिया। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ने आपने रेट कम पे दिए, एग्जिस्टिंग वाले ने खरीद लिए, हाँ एक्जिस्टिंग वालों को 50 मतलब ऑफर करा, उनमें से 20 ने खरीद, खरीद लिए। उन्होंने जैसे मार्केट मार्केट प्राइस पे ली थी 5, हमने उनको डिस्काउंट देके लास्ट पॉइंट है, कीप रिजर्व्स अवेलेबल फॉर फ्यूचर डिविडेंड। अच्छा, इस पर हम बात करेंगे बाद में, अभी इसका क्या मतलब है, ठीक है, फिलहाल समझ में नहीं आए। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? इट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन रेजिंग द फाइनेंस रिक्वायर्ड। वही बात, आगे जरूरी नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो सारे शेयर खरीद लें, हो सकता है किसी के पास इन्वेस्टमेंट ही ना हो, वो एक शेयर भी बाय ना करे, वही बात आगे, ये डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये कि इशू के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि इसका रेट कम है, और उससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की परसेंटेज भी मेंटेन रहती है। ठीक, और बाद में वो चाहें तो उसको खरीद के कम रेट पे मार्केट रेट पे सेल भी कर सकते हैं, तो प्रॉफिट भी अर्न हो सकता है, तो इसलिए चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता ना भी लें।
ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज भी है। अच्छा उसके बाद क्या डायल्यूट्स, दूसरा डिसएडवांटेज क्या डायल्यूट शेयर होल्डर्स शेयर होल्डिंग इफ दे डू नॉट टेक अप राइट्स इशू, कि अगर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो राइट्स इशू नहीं लेते तो उससे उनकी शेयर होल्डिंग परसेंटेज डायल्यूट हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज। ये दो इसके डिसएडवांटेज। ठीक है, सर एक शेयर होल्डर मैक्सिमम शेयर देते अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर रिलेटेड, कि जब राइट्स इश्यू होते हैं तो उसकी एंट्रीज वगैरह कैलकुलेशन कैसा रहा की जाए। क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा इसमें अपॉन इनकॉर्पोरेशन इन 2004 जिमी डॉजर अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इश्यूज 1,50,000 शेयर्स एट नॉमिनल वैल्यू। अच्छा ये तो बात हो रही है जिस टाइम वो कंपनी फॉर्म हुई थी उस वक्त कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, आज नीडिंग फर्दर फंड्स इन 2005 इट मेक्स अ राइट्स इशू ऑफ 1:5 एट 0.75। ठीक है, अच्छा ये उसने रेशियो दे दिया 1:5, यानी कि हर 5 पे एक, यानी कि जिसके पास 5 शेयर हैं वो एक नया शेयर ले सकता है, 10 होंगे तो 2, 15 होंगे तो 3। ठीक है, एक रेशियो आ गया, दिस ऑफर इज फुली टेकन अप। अब इसके बनाते हैं एंट्रीज। अच्छा पहले तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना होंगे, कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, कितने शेयर्स इशू होने चाहिए टोटल, 50,000 कैसे हैं एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं 1 लाख, अब 1 लाख के अगेंस्ट हम दे रहे हैं, क्या रेशियो क्या है हमारा 1:1:5 का, तो इसको आप क्या करेंगे 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 पे एक, तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें तो 20,000 शेयर्स आ जाएंगे। ठीक, तो पहले हम नंबर ऑफ राइट्स इशू कैलकुलेट करेंगे, एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं 1 लाख और रेशियो है इसका 1:5 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से डिवाइड कर देंगे 5, 5:1 टोटल कितने शेयर्स इशू होंगे 20,000 शेयर्स हमें इशू करना होगा। एंट्री बनाते हैं। अच्छा एंट्रीज की सेम होगी, जो नॉर्मल शेयर इशू की बनती है वही राइट्स इशू की भी बनेगी, तो शेयर्स इशू की एंट्री क्या बनाई थी हमने, बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ठीक, अच्छा यहाँ प्रीमियम मिलेगा या नहीं, प्रीमियम मिलेगा होगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा क्योंकि देखिए पार वैल्यू कितनी है 50 सेंट इशू कर रहे हैं 0.75 पे। ठीक है 0.75, तो आपको 0.25 का प्रीमियम मिल रहा है इसमें। ओके अब टोटल कैश कितना आएगा, तो 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.75 से, टोटल कैश रिसीव होगा हमें 15,000 डेबिट, जो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी। अच्छा कैपिटल हम रिकॉर्ड करते हैं हमेशा पार वैल्यू से, ठीक है तो 20,000 × 0.5 शेयर कैपिटल आ गई 10,000, बाकी आपका 0.25 प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 × 0.25 शेयर प्रीमियम आ गया 5,000, ये आपकी एंट्री हो गई राइट्स इश्यू की, सेम है बिल्कुल।